गतकाल झारसुगुड़ा जिला इप स्टेशन रेल लाइन कड़ जड़े 21 वर्ष बयस युवती शव उद्धार कर प्रथम रेलवे पुलिस गोटे दुर्घटना जनित बोली सन्देह करता बेले आज उक्त युवती परिचय मिल पारी उक्त युवती बापा अच्छा स्थानीय लोक हेले अच्छा गोटे हत्या सन्देह कर तो आसतु सीधा साल कथा जे प्रकृति में घटना कौन अच्छी से कौन से डिमांड कर गतल जो इप स्टेशन रु जो डेड बडी माने ले खबर पाइले बर्तमान आप पोस्टमार्टम सेन्टर अच्छा तो बर्तमान आप कौन डिमांड कर देखो ना आज्ञा आज सका 6:30 बजे पाखापाखी माँ बापा जितने मोर घर के आए कहे कि एंता झीटा कल जाइए कंप्यूटर क्लास कर ना फेरी और से झीर फोन टा स्विच अफ आसूचे के करमा तो मुझे कहली पहले आम मिसिंग कम्प्लेन टा थाना दे जेहेतु यहाँ थानार दायित्व है कि से के खोजाखोजी करेंगे झील इश्यू है तारपर सेकेंड जिते आम मिसिंग कम्प्लेन देलापर फेर बाकी जगार भी आम मुई सोर्स रूम खोजाखोजी करूला बेले न्यूज में आम देखल कि गोटे मिसिंग डेड बॉडीटा मानने फाउंड होती आप स्टेशन रे तो तार फोटो जिते आम पाइल तो से फोटो सागे झील के ये हे बोले मुई घर लोक कहली कि झीर के फोटोटा अच्छे बोले मगुन तो सांगसाथी जेन फोटोटा है से जेन ड्रेस पिंधे और से झीर फोटो इतार सागे जितने मैच है आमके टे सन्देह है बोले मुझे बापा के नहीं ब्रांदर थाना के गलूँ तो से आईएससी जेन फोटो देखा आम कनफर्म हलुँ कि हाँ से झील हो पाए कहीक फिर मुझे कहली फिर भी आम पूरा कनफर्म होगा लगी मुझे कहली आप चलून मोर सागे आम फिर बैक गवर्नमेंट हॉस्पिटल गलूँ पोस्टमार्टम सेंटर जितने आइलु तर बापा से डेड बॉडी देखला पर कहले नाई मोर झील है तो एखे बापार जेन सन्देह अच्छे कि झील जेहेतु मानने भल झीटा थी से मैंने इतक ये नहीं थी से केन कहार सागे जाऊला काण है आन ट्रेक जेन पाइजे से ट्रेक के गला के जेन मन जेन सन्देह हो तो से गोटे ही दाबी अच्छे कि जदि यहाँ जेन सन्देह अच्छे कि मर्डर अच्छे तो से मर्डर एंगल रे पुलिस निष्पक्ष गोटे तदंत करू और जेन सत्य सत्यता अच्छे तार मोबाइल ट्रेक रू कि सीसीटीवी फुटेज रेलवे स्टेशन आखर पाखटा फाउंड करें मैंने काणा और जेन सांगसाथी मानने इनक्वारी पक्षभुक्त कर तार निष्पक्ष तदंत कर जेनटा भी अच्छे सत्य सत्यता सामना के आसवार कथा निश्चित भाव जेहेतु नमिता से ग्रेजुएसन सरला कंप्यूटर एडमिशन करते कंप्यूटर पर तो प्रकृत से केते बेले घर का बाहरी कौन कौन पर से घर खाना पाना जेन मैंने तार रंधाभड़ा करवार कथा से सब कर 12 रु 12:30 भितर से घर बाहरी छे सेनु से कहला मुई मोर सांग घर के जिमी सेने किसी डॉक्यूमेंट आउ काने ये करवार अच्छे से कलापर मुई कंप्यूटर क्लास 3 बजे जाकर 6 बजे भितर फेरी आएमी ईटा कहीकि से घर बाहरी छे तारपर से जितने नहीं पाइले घर लोक पहला से टुकेल सागे संपर्क कले जेन जहाँ घर के सांग घर के तारपर से नाइस कंप्यूटर जेन ऑनर अच्छा जोाजोग कले से कहे ना आम तो नाइस कंप्यूटर से आसी ही नहीं तो जितने ये सब जानला पर फिर बाकी मैंने जेन आउ बाकी तार सांगसाथी जेन जेनटा जगह ये खोजी मानने पार्बार कथा सब खोजला पर जितने नहीं पाइले बोले सकाले फिर तार मिसिंग कंप्लेन ब्रांदर थाना दिखाई निश्चित भाव परिवार लोक तो गोटे डिमांड कर गोटे तार उच्चस्तरीय तदंत हो तो आम सहित बर्तमान अच्छा नमिता बापा अच्छा अच्छा एक चीज बताइए आपका बेटी अच्छा पढ़ाई कर रहा था तो कुछ ऐसे कुछ मेंटल टेंशन में कुछ ऐसे था क्या कल जब घर से निकला और आप क्या संदेह करती है? नहीं नहीं कोई मेंटल टेंशन नहीं था पूरा शांत आराम सब घर का काम करके फिर कंप्यूटर गई है कुछ मतलब घर में भी शांति है था कोई हम लोग को ये भी डाउट नहीं था कहीं जाएगी ये नहीं जाएगी खाली मतलब वो कंप्यूटर के लिए ही निकली थी कोई मतलब दूसरा ध्यान में बात ही नहीं था। क्या डाउट क्या कर रहे हैं आप लोग अभी डाउट यही लग रहा है कि उसके साथ कुछ घटना हुआ है लग रहा है इसलिए उसका इंक्वायरी हम लोग चाहते हैं थोड़ा कि देर खबर कुछ हो जाए वही सोच रहे तो अभी आप पुलिस में कुछ एफआईआर वगैरह कुछ दिए हैं क्या आप लोकल पुलिस में? हाँ एफआईआर दिए ना थाना में एफआईआर दिए हैं। तो आपका बेटी है बोल के आपको कब पता चला आपको? वो सवेरे पता चला सवेरे गए ना वो थाना गए तो वो लोग फोटो वोटो ये सब वहाँ देखे तो मालूम हुआ कि हमारा ही लड़की है। निश्चित भाव जो नमिता बापा कहते से यार गोटे उच्चस्तरीय तदंत हवा कथा जेहेतु झील पाठ पढ़ाप घर बाहरी दिन 12 पाखापाखि से घर बाहरी जिते से घर को फेरी ना सन्ध्या पर्यटन तो से कंप्यूटर इनिट्यूट को जोाजोग करते शेष आज सका से बजानगर थाना गोटे मिसिंग केस कितु परवर्त मुहूर्त जना पड़ा जो गत काली जो इप स्टेशन रु 21 वर्ष बयस युवती
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ରେଲବାଇ ପୋଲିସ ଏ ଗୁମର କେବେ ଖୋଲୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସେଣ୍ଟରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।